अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था कि आप किस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट या फिर कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरह से अपना सक्सेसफुल ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं। जी हाँ, फ्री डोमेन आप लोगों को मिलेगी, फ्री डेटाबेस मिलेगी, पेमेंट मेथड्स मिलेंगे और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगी। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप वर्क होने वाला है और किस तरह से होने वाला है, आपने कौन से टूल का यूज करना है, जस्ट वन क्लिक में आपका स्टोर बन के रेडी हो जाएगा। जी हाँ, मैं शॉपिफाई वगैरह की बात नहीं कर रहा बल्कि एक अमेजिंग से टूल की बात कर रहा हूँ जिससे आप वाकई में अपना सक्सेसफुल ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हो। उससे पहले मैं आप लोगों से माजरत चाहूंगा यार, मैं बहुत दिनों से अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत को ठीक नहीं थी और भी मेरे पास बहुत सारे काम थे तो उनको मैंने एक साइड किया और अब इंशाल्लाह रेगुलर बेसिस पे आपको न्यू वीडियो न्यू ट्रिक देखने को मिलेगी। तो ये जो वीडियो होने वाली है ये बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। आपने किसी भी पार्ट को मिस नहीं करना क्योंकि एक एक पार्ट में मैंने एक एक चीज आपको समझाई है, यूनिक चीज आपको समझाई है ताकि आप स्टक ना हो, कहीं भी आप भटके नहीं और मुझे नहीं लगता पूरे यूट्यूब पर आपको इस तरह की वीडियो मिलने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है ज़ोरेन और आप देख रहे हैं ज़ोरेन टेक। अगर आप लोगों ने ज़ोरेन टेक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर रहे हैं जहां पर रियल ऑनलाइन अर्निंग सिखाई जाती है, रियल टेक न्यूज शेयर की जाती है, रियल टेक्नोलॉजीज शेयर की जाती है, जो भी चीजें न्यू आती हैं, जो भी रियल होती है वो सब कुछ आपके साथ शेयर किया जाता है। ज्यादातर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आप फजूल की इन्वेस्टमेंट से बच सकें। स्क्रीन की तरफ चलते हैं और ये प्रोसेस शुरू करते हैं। तो आपने सिंपली जाना है इस वेबसाइट पर जिसका नाम है odoo.com। आप यहाँ पर आएंगे, ये लिखा हुआ भी है स्टार्ट नाउ इट्स फ्री, आपने सिंपली इस पर करना है क्लिक। ये कुछ साइनिंग वगैरह प्रोसेस मांगेगा, आपने इसको साइन अप कर लेना अपने ईमेल वगैरह के साथ और देन ये आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस देगा। देखिए अभी तक मैंने इसको साइन इन नहीं किया, आगे ये मांगेगा क्योंकि हमें इसमें डेटाबेस वगैरह भी क्रिएट करनी होगी। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन मिलता है वेबसाइट का, जो कि ऑलरेडी मैं एक पिछली वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। आपको मैंने बता दिया कि आपने वेबसाइट इस पर फ्री किस तरह बनानी है, इवन के ब्लॉगिंग वेबसाइट कैसे बनानी है ये भी मैंने बता दिया, ब्लॉग वगैरह राइट करना भी बता दिया। इसमें हम सीखेंगे ये ई कॉमर्स वाला सेक्शन। यहाँ पर देखें, मैंने सिंपली ई कॉमर्स पर क्लिक किया और ये कह रहा है वन ऐप सिलेक्टेड, मतलब आपने ये देखें फ्री विद अनलिमिटेड यूजर फॉर एवर। लोग कहते हैं भाई ये 14 डेज चलता है, 15 डेज चलता है, ये आपके सामने ये ऑफिशियल मैसेज है, मैंने इसमें कोई एडिटिंग नहीं की। ई कॉमर्स सेलेक्ट किया, यहाँ पर ये ऑटोमेटिक आ गया फ्री विद अनलिमिटेड यूजर फॉर एवर। आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है तो यहाँ पर ये देखें आपके सामने इस तरह का कुछ सेक्शन आ जाएगा। आपने अपना नेम वगैरह लिख के, अपना ईमेल वगैरह लिख के जो भी है आपने सेटअप कर लेना है। अब आप कौन सा नेम देना चाहते हैं इस वेबसाइट को, मैं देना चाहता हूँ भाई ज़ोरेन स्टोर। फर्स्ट करें मैंने इसको सिंपली ये दिया और यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है odoo.com। आप इसको एडिट के सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, जैसे कि ये डोमेन है मैं यहाँ पर कुछ और रखना चाहता हूँ तो आप वो रख सकते हैं। बाकी ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट है इसमें आपको odoo.com ही मिलेगा, इसमें कोई मसला नहीं है। देखा होगा आप लोगों ने शॉपिफाई में भी आपको यही मिलता है shopify.com और आजकल बहुत सारे स्टोर उसी डोमेन के साथ वर्क कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, नंबर वगैरह जो है वो ऑप्शनल है, आप दें तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है, आपने स्टार्ट नाउ पर क्लिक कर देना है। स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे ये आपके सामने एक मैसेज आएगा वेलकम टू odoo। अब ये आपका जो है वो आपको अंडरस्टैंड कर रहा है कि आप किस तरह की वेबसाइट चाहते हैं, आपकी थीम वगैरह जो भी है ये आगे आपसे खुद पूछेगा। ये देखें ये लिखा हुआ है बिल्डिंग योर ई कॉमर्स। अभी हम यहाँ पर प्रोडक्ट वगैरह सारा सेक्शन इसमें सीखेंगे। तो ये देखें मैं एक ज़ोरेन स्टोर के नाम से पहले ही वेबसाइट बना चुका था, इसलिए ज़ोरेन स्टोर 1.odoo.com यहाँ पर आया है। हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया, आपने लेट्स डू इट पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर बताएं कि आपका क्या है, आई वॉन्ट एन ऑनलाइन स्टोर, क्योंकि हम ई कॉमर्स बना रहे हैं तो आपका ऑनलाइन स्टोर ही होगा। अब आपका बिजनेस क्या है, सेल परचेज का, अब आपने क्या सेल करना है। यहाँ पर मैं कोई भी एक सिंपल सा कर लेता हूँ। देखें यहाँ पर आ गया क्लोथिंग स्टोर, आ गया शू स्टोर, आ गया यहाँ पर देखें बहुत सारी कैटेगरीज बनी हुई है। मैं कहता हूँ भाई ये मेरा शू स्टोर है, मैंने सिंपली इस पर क्लिक किया और यहाँ पर विद द मेन ऑब्जेक्टिव टू गेट लीड सेल मोर, क्या चीज़ आपने सेल मोर पर क्लिक करना है। अब ये देखें ये आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई है कि यहाँ पे आपने कौन सी थीम रखनी है, मतलब कौन से कलर रखने हैं अपनी वेबसाइट के, जिसका हेडर का कलर, फुटर का कलर जो इन पैलेट से मिलता जुलता होगा। एक और चीज़, अगर आप अपना कोई भी लोगो डिज़ाइन यहाँ पर अपलोड करते हैं तो ये लोगो डिज़ाइन से ही कलर डिटेक्ट करके आपको एक नई पैलेट बना के दे देगा। तो मैं जो है फर्स्ट करें, मुझे जो है ये वाली थीम अच्छी लग रही है, मैंने सिंपली इस पर क्लिक किया। अब ये देखें एड पेजेस एंड फीचर्स आपने कौन कौन से इसमें ऐड करने हैं। मैं भाई इसमें जो है वो अबाउट अस ऐड कर लेता हूँ। अबाउट अस के बाद मैं यहाँ पर ये देखें सर्विसेज वगैरह है वो भी ऐड कर लेता हूँ। प्राइवेसी एंड पॉलिसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो ऐड कर लेता हूँ। ये जो ब्लू हैं ये फ्री हैं, बाकी ये अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो इसके आपको ये देखें स्टैंडर्ड प्लान जो है वो 15 डेज का ही आपको ट्रायल मिलेगा, बाकी ये पेड है। ओके, तो आप ये ब्लू वाला यूज़ करें। तो मैं यहाँ पर बिल्ड माई वेबसाइट पर कर देता हूँ क्लिक। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो आपके सामने इंटरेस्टिंग सी देखें थीम्स आ गई हैं, शूज़ की पिक्स
आ गई हैं, ये देखिए थीम है। अब आप यहाँ पर देखें मतलब आपका स्टोर रेडी होने वाला है। यहाँ पर देखें सेक्शन टाइटल आ गया, यहाँ पर टाइटल्स, और ये देखें शूज़ के पिक्स, मतलब आपको इधर उधर से ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जैसे आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप का वर्क करके उस पर काम स्टार्ट कर सकते हैं। वापस आप कौन सी थीम आपको इसमें अच्छी लग रही है? भाई मैं जो है वो ये वाली थीम जो है वो मुझे कुछ ज़्यादा बेहतर लग रही है। मैंने सिंपली इस पर क्लिक किया, जस्ट वन क्लिक किया, तो ये देखें हमारी जो है वेबसाइट बनना स्टार्ट हो गई है। प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास देखें एक न्यू इंटरफेस आ चुका है, जिससे हमारी वेबसाइट सामने आ गई है। यहाँ पर आप देखें एक टैग हमें मिल जाता है, एक टैब मिल जाता है हमें होम का, एक शॉप का मिल जाता है। हमने सर्विसेज ऐड किया था, जैसे कि आपको पता है ये सर्विसेज है, अबाउट अस है, और कॉन्टैक्ट अस जो है वो बाय डिफॉल्ट आ चुका है। यहाँ पर देखें कॉन्टैक्ट अस में आएंगे तो यहाँ पर देखें ये सब कुछ आप एडिट कर सकते हैं, ये ऐसे ही लिखा हुआ है। तो अभी हम इसको सारा एडिट वगैरह भी करते हैं। इसमें प्रोडक्ट वगैरह किस तरह से ऐड करनी है, क्या करना है, किस तरह करना है, वो सब बताता हूँ। एक चीज़ आपने नोट की होगी, जो थीम हमने सेलेक्ट की थी, जो कलर सेलेक्ट किए थे, वो ही यहाँ पर देखें आ गए हैं। ये देखें इस तरह से कितनी अमेजिंग सी वेबसाइट लग रही है। अगर आप इसको क्रिएट करने बैठे तो आपको घंटों लग जाने, लेकिन इसने जस्ट क्लिक के साथ जो है वो कर दिया, और फ्री ऑफ कॉस्ट है यार। अब ये पेंडिंग एक्टिवेशन आ रहा है, आपने सिंपली पेंडिंग एक्टिवेशन पर क्लिक करना है। तो ये देखें आपके ईमेल पर एक कोड भेजेगा, आपने ये देखें ये लिखा हुआ योर डेटाबेस एक्सपायर इन 3 आवर टू कीप योर डेटाबेस रनिंग टू यूज एक्टिवेशन की, मतलब आपने जो है वो इस लिंक से वेरीफाई कर लेना है, जिससे आप जो है वो अपनी डेटाबेस हमेशा यूज कर सकते हैं, नहीं तो 3 आवर्स में जो है वो एक्सपायर हो जाएगी। एक चीज और यहाँ पे आपने देखी, ऐड टू कार्ड का ऑप्शन भी आ गया। ये देखें ये कार्ड वाला सेक्शन भी है, मतलब एवरीथिंग इज ओके, मतलब हर चीज उस तरह से आई है जैसे एक प्रोफेशनल स्टोर में होती है। यहाँ पर आपने लोगो वगैरह चेंज करना है, वो भी हम करते हैं। एडिट वाले सेक्शन में चलते हैं। हमने फिलहाल एडिट करना है ये होम पेज, तो आपने एडिट के सेक्शन पर करना है क्लिक। तो यहाँ पर आप देखें विदाउट प्लग इन, विदाउट एनीथिंग, कोई भी ऐप वगैरह हमने इंस्टॉल नहीं करना, यहाँ पर सब कुछ आपको प्री डिफाइंड मिल रहा है। जैसा आपने यहाँ से ड्रैग करना है, यहाँ पर ड्रॉप करना है, और आपकी वो चीज़ यहाँ पर ऐड हो जाएगी। जैसे कि देखें मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये ब्लैंक एरिया में थोड़ा सा यहाँ पर आप ऐड करना चाहते हैं मैप, आपने सिंपली यहाँ पे इस मैप को सिलेक्ट किया और यहाँ पर आपने रख दिया। ये देखें आपका मैप यहाँ पर आ गया। आप यहाँ पर रखना चाहते हैं लार्ज मैप, ये देखें जितना लार्ज आप करना चाहते हैं, ये देखें मैप आ गया। आप कोई जो है वो पर्टिकुलर एड्रेस देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर, जैसे कि मैं दे देता हूँ कराची पाकिस्तान, देखें मैंने यहाँ पर लिखा, नहीं तो आप गूगल से भी कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कराची पाकिस्तान में हमारा मैप जो है वो सिलेक्ट हो चुका है, कितना अमेजिंग है। फिर यहाँ से आप देखें 2 किलोमीटर जूम करना है, आपने कितने किलोमीटर, ये देखें मैं चाहता हूँ 1000 किलोमीटर तक इसको जूम करना है, तो यहाँ पर आप देखें कितना ज़्यादा जो है वो मैप हमारे पास आ चुका है। हाइट वेट आप इसकी ऑटो कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर आप इसका कलर फिल्टर यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं। फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करने हैं, जैसे कि ये जो लिखा हुआ है इस फ़ॉन्ट को चेंज करना है, हेडिंग डिस्प्ले, ये सारा कुछ आप इसमें एडिट कर सकते हैं। बहुत ईजिली ये चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करता है। अब मैंने आपको ये चीज़ ऐड करना बताई है, मैं दोबारा ब्लॉग्स वाले सेक्शन में चलता हूँ। यहाँ पर आपको बहुत सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे जिसको आप एडिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। आपने किसी जगह पर हेडिंग देनी है, आपने इसी के ऊपर एक हेडिंग देनी है। आप यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, ये देखें ये टाइटल लिखा हुआ है, आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर आ गया आपका साइट टाइटल। आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ज़ोरेन टेक स्टोर। जैसे आपने यहाँ पर लिखा, ये देखें ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है, और आपने यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक किया तो ये देखें आपका होम पेज जो है वो सेव हो चुका है। अब जो हमने एडिटिंग की थी, चेंजिंग की थी, वो यहाँ पर देखें वाजह तौर पर नज़र आ रही है। आपने कुछ और एडिट करना है, आप यहाँ पर एडिट के सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखें नंबर्स मिल जाएंगे कि भाई कितनी सेल्स हुई हैं, कितनी नहीं हुई। अब आपके ऊपर है, आप इसको कितना एक्सप्लोर करते हैं, कितनी क्रिएटिविटी लाते हैं। यहाँ पर कॉल टू एक्शन का भी ऑप्शन अवेलेबल है, हर चीज़ ये, मतलब इसमें कोई चीज़ मुझे नहीं लगता कोई भी चीज़ मिसिंग है। और न्यू वेबसाइट है, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं आपसे फिर प्रेफर करूंगा आप इसको अभी के अभी ट्राई करें, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्राई करें। आपको पता है मैं आपके साथ सारी फ्री चीज़ें शेयर करता हूं। अब ये कॉल टू एक्शन का ऑप्शन है, यहां पर देखें डिस्कवर इट की जगह आप यहां पर देखें कॉन्टैक्ट अस आ चुका है। जैसे ही मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूं, मैंने सिंपली इसको यहां से सेव कर देता हूं। मैं पहले सेव करने के बाद मैंने इस स्टोर को यहां से अब जो है वो रिलोड किया। मैं दोबारा कॉल टू एक्शन वाले सेक्शन में जाता हूं। डिस्कवर इट पर कोई भी क्लिक करेगा वो आपके कॉन्टैक्ट अस पेज पर जो है वो पहुंच जाएगा, मतलब लिंकिंग बहुत ज़्यादा आसान है इसमें। अभी एक और चीज़ मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ। एडिट के सेक्शन में मैंने क्लिक किया, अब आपका एक स्टोर बन चुका है, आपने यहाँ पर इंस्टाग्राम अपना लगाना है। तो आप क्या करेंगे भाई, आप यहाँ पर आएंगे, ये लिखा हुआ इंस्टाग्राम पेज, आपने सिंपली यहाँ से ला के इस इंस्टाग्राम पेज को यहाँ से आपने जो है वो ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद ये देखें ये आपके सामने इस तरह का आ गया, ये ओडो का ऑफिशियल है, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये इंस्टाग्राम पेज है, मैंने सिंपली यहाँ पर लिखा ज़ोरेन टेक, मैंने अपना जो है वो
पेज का नेम लिख दिया। तो यहाँ पर आप देखें मैजिक कि मेरा पेज यहाँ पर आ चुका है। और इसी बात पर अगर आपने अभी तक Zoran Tech फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो कर लें, मैं शॉर्ट रील्स में भी बहुत अच्छी ट्रिक्स और ट्रिक आपके साथ शेयर करता हूँ। तो देखिए मेरा पेज आ चुका है यहाँ पर, आप कोई भी नेम लिखेंगे वो पेज यहाँ पर आ जाएगा। आप सेव करेंगे तो फिर यहाँ पर कोई भी स्टोर पर आपके विजिटर आता है, वो सेल परचेज करने आता है, तो यहाँ पर वो देखेगा कि यार आपका इंस्टाग्राम पेज भी बना हुआ है, वो लिंक भी है, एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनी हुई है, यहाँ पर लोगो लगे हुए हैं, तो मतलब एक ऑथेंटिक वेबसाइट है और ये आपको कहीं से भी लोकल वेबसाइट नहीं लग रही होगी अभी तक आपके सामने इस वीडियो में। और अगर आप इसको खुद एक्सप्लोर करेंगे तो भाई मजा ही आ जाएगा। फिर आपको अगर थीम चेंज करनी है तो आप यहाँ पर देखें कलर वगैरह कोई भी चेंज करना है, बहुत सारी सेटिंग है, अगर मैं इसको करने बैठूँ तो मुझे रात हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो में आपको जस्ट मेन चीज़ें बता रहा हूँ कि आप इस तरह से ये चीज़ें कर सकते हैं, फिर इसमें आप जो है वो और चीज़ें भी अपनी एक्सप्लोर करें। मेन चीज़ें हमारी प्रोडक्ट्स हमने ऐड करनी है। यहाँ पर हम शॉप के सेक्शन में चलते हैं, तो हमारे पास अभी शॉप में कुछ भी नहीं है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, शॉप के सेक्शन में चलता हूँ। तो यहाँ पर देखें नो प्रोडक्ट डिफाइंड, अभी तक मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, तो ये आपको एक एरो दे रहा है, यह लिखा हुआ है लेट्स क्रिएट योर फर्स्ट प्रोडक्ट, आपने सिंपली न्यू पर क्लिक करना है, ये आपको खुद गाइड करेगा। आप यहाँ पर पेज ऐड करना चाहते हैं, ब्लॉग पोस्ट या फिर प्रोडक्ट, आपने प्रोडक्ट ऐड करनी है, आप सिंपली यहाँ पर प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने प्रोडक्ट का नाम क्या देना है, जैसे कि मैं दे देता हूँ स्मार्ट वॉच, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया। यहाँ पर इसकी मैं प्राइस दे देता हूँ, सेल प्राइस जो है वो मैंने 5000 रख दी, सिंपल। और मैं इसको यहाँ से, अब आप टैक्स वगैरह ऐड करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप इस टैक्स को कट कर दें, तो इसकी ये सारी प्राइस यही होगी। आपने सेव के बटन पर क्लिक किया तो ये देखें ये आपके पेज पे आ गया है, प्रोडक्ट वाले पेज पर, कितना अमेजिंग है। इसकी इमेज आप लगाना चाहते हैं, आपने सिंपली इमेज के बटन पर क्लिक किया, डबल क्लिक करेंगे आप, ये आगे आपके सेक्शन पर आपने अपलोड एन इमेज पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपलोड एन इमेज पर क्लिक करेंगे आपने, और मैंने सिंपली ये वाली इमेज एक डाउनलोड करके रखी हुई है, मैंने देखें इसको यहाँ से अपलोड कर दिया। इमेज मैंने जैसे अपलोड की, ये देखें मेरे स्मार्ट वॉच की यहाँ पर इमेज आ चुकी है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़, ये फेसबुक है, ये ट्विटर है, ये किसका लिंक है, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आप अपना लिंक दे देंगे। अभी एडिटिंग वाले सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर आप देखें ये जो लिखा हुआ है, एडिट द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट बाय क्लिकिंग द अमाउंट, आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसके प्राइस यहीं से चेंज कर सकते हैं। इवन आपने यहाँ पर रेटिंग रखनी है, आप यहाँ पर रेटिंग वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें जस्ट मैंने क्लिक किया और यहाँ पर ये देखें रिव्यू रेटिंग वगैरह आ चुका है। आपने शॉर्ट से डिस्क्रिप्शन देनी है, आप यहाँ पर शॉर्ट से डिस्क्रिप्शन दें, यहाँ पर आप जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन वगैरह दे सकते हैं, यहाँ से आप लार्ज डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। यहाँ पर देखें टर्म्स पॉलिसी है, इसको भी चेंज कर सकते हैं, 30 डे मनी बैक वारंटी है, आप यहाँ पर 20 डेज देना चाहते हैं, 15 डेज देना चाहते हैं, जितनी भी आपने यहाँ पर देनी है आप सिंपली यहाँ पर जस्ट वन क्लिक से एडिट कर सकते हैं। जो कि हमें अगर Shopify को भी देखें तो भी पता नहीं कहाँ कहाँ जाके उसको एडिट करना होता है, लेकिन ये देखें ये पेज यहीं पर एडिट हो रहा है। फिर यहाँ पर शेयर का बटन है, ये देखें मैंने शेयर के बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये देखें शेयर वाला गायब हो चुका है। अब अगर आप शेयर के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये शेयर वाला आ जाएगा। अब एक और यहाँ पर मैं इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, ये देखें इमेज जूम जो है वो मैग्नीफायर ऑन ओवर है, मतलब आप अभी इसको पब्लिश करेंगे तो मैं दिखाता हूँ ये क्या चीज़ है। थंबनेल आप लेफ्ट राइट रखना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने इसको क्या करना है, किस तरह से ऐड करना है, ये सारी चीज़ें आप इजीली एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने देखें ये जो बाय नाउ है, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है तो आपके सामने देखें बाय नाउ का बटन भी आ गया, ऐड टू कार्ट का भी बटन आ गया। अगर कोई यहाँ से ही बाय करना चाहता है तो वो यहाँ से बाय भी कर सकता है, अगर वो यहाँ से ऐड टू कार्ट करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। अब बाय नाउ की जगह आप लिखना चाहते हैं शॉप नाउ, तो देखें यहाँ पर शॉप नाउ आ गया, कितना अमेजिंग है यार। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर देना, यार। इसकी एक बहुत ही अमेजिंग चीज दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया AI लिखा मैंने, यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा आई वॉन्ट टू सेल स्मार्ट वॉच राइट। देखें मैंने लिखा आई वॉन्ट टू सेल स्मार्ट वॉच राइट 100 करेक्टर डिस्क्रिप्शन फॉर दिस, मैंने सेंड के बटन पर क्लिक किया, देखें फ्री ऑफ कॉस्ट है ओडो का बोर्ड, स्टे कनेक्टेड, देखें एक मतलब 100 करेक्टर का इसने लिख दिया। मैं यहाँ पर लिखूंगा नाउ 1000 करेक्टर्स, मतलब ये काम भी आपको Shopify वगैरह में अभी तक नहीं मिलता जो कि आपको ओडो प्रोवाइड कर रहा है। 1000 करेक्टर की मैंने डिस्क्रिप्शन इसे जनरेट करवा ली, आपको इधर उधर जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है ना। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर देना यार। ये देखें मैंने यहाँ से सिंपली इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं अपने डिस्क्रिप्शन में जाऊँगा, यहाँ पर देखें मैंने इसको पेस्ट कर दिया, कितना अमेजिंग लग रहा है। अब आप कहते हैं ये ज़्यादा जो है वो लार्ज है, तो मैंने इसको देखें शॉर्ट कर लिया, शॉर्ट करने के बाद आपको यहाँ पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप वो भी जनरेट करवा सकते हैं। एवरीथिंग यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है और
और आप इससे बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। सेव के बटन पर मैंने क्लिक किया, देखें हमारी एक प्रोडक्ट ऐड हो चुकी है। इसी तरह से आपने दूसरी ऐड करनी है, आप न्यू पर क्लिक करेंगे, दूसरी प्रोडक्ट ऐड करेंगे। अब हम शॉप के सेक्शन में चलते हैं, देखते हैं हमारी प्रोडक्ट आई है या नहीं। ये देखें भाई हमारी प्रोडक्ट आ गई है। यहाँ पर फिल्टर भी है, अगर आपकी ये देखें 5000 की प्रोडक्ट है, अगर आप यहाँ पर कोई 50000 की प्रोडक्ट ऐड करते हैं और कोई क्लाइंट आता है वो 50000 वाली प्रोडक्ट फाइंड करना चाहता है, तो सिंपली यहाँ से ड्रैग यहाँ तक जो है वो लेके जाएगा और 50000 पर अपना जो है फिल्टर लगाएगा, उसके सामने सारी 50000 वाली प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। 5000 वाली आएगा उसके वाली आ जाएंगी, अगर 2000 वाली ढूंढेगा तो वो वाली आ जाएंगी। देखें ये हमारा प्रोडक्ट पेज इस तरह से लग रहा है, हमारी वेबसाइट बन के रेडी हो चुकी है। अब हम इसको किसी न्यू टैब में, किसी न्यू ब्राउज़र में ओपन करके देखते हैं क्या ये वेबसाइट वहाँ भी वर्क कर रही है या फिर नहीं। मैं आ गया यहाँ पर न्यू ब्राउज़र में, मैंने देखें सिंपली सॉरी मैं इसको गॉटेड और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया अपने URL को और मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ। भाई ये देखें अमेजिंग यार, बहुत ही अमेजिंग है। देखें हमारी जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब हमसे एक मिस्टेक ये हो गई है कि हमने फ्यूज़ की वेबसाइट बनाई, उसमें ऐड जो है वो स्मार्ट वॉच कर दिया। कोई मसला नहीं, आप लोगों को मेरा मकसद था सिखाना, आप लोग सीख चुके होंगे, आपको समझ आ गया होगा ये क्या चीज़ है। शॉप के सेक्शन में चलते हैं, देखते हैं हमारी जो है वो प्रोडक्ट आई है या फिर नहीं। मैंने शॉप पर क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पर प्रोडक्ट आ चुकी है। कोई सर्च करना चाहता है ये देखें यहाँ पर सर्च भी कर सकता है। ये देखें स्मार्ट वॉच सर्च करेगा तो देखें यहाँ पर हमारे पास एक ही प्रोडक्ट हमने ऐड की थी तो वो आ चुकी है। यहाँ पर रेटिंग वगैरह भी है, जैसे कोई शॉप नाउ पर क्लिक करेगा वो चला जाएगा इस सेक्शन में, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर देखें जिप कोड वगैरह देगा, कंटिन्यू चेकआउट पर क्लिक करेगा। मतलब ये सारी चीज़ें फिलहाल MPTM है, मैं इसको किस तरह से फिल करूं अब इतना लंबा, लेकिन वो यहाँ पर जो भी ऐड करेगा उसका ऑर्डर वगैरह आपके पास आ जाएगा। अब ऑर्डर वगैरह कहाँ पर आएंगे ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। हमने एक जो है वो ऑर्डर प्लेस कर दिया है यहाँ पर, आप ये देखें कूपन कोड वगैरह भी बना सकते हैं। यहाँ पर आ गया स्टैंडर्ड डिलीवरी है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर आ चुका है। अभी तक देखें हमने कोई भी पेमेंट मेथड ऐड नहीं किया इसलिए यहाँ पर नहीं आ रहा। हम चलते हैं अपनी वेबसाइट में और अब हम इसकी इंपॉर्टेंट सेटिंग कर लेते हैं। वो कहाँ से करनी है, आप आ जाएंगे यहाँ पर अपने साइट में जहाँ से हम एडिटिंग कर रहे थे, यहाँ पर आपने कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखें पेमेंट मेथड आ गया आपके पास, ये देखें पेमेंट मेथड पर, यहाँ पर शिपिंग मेथड से आपने पेमेंट मेथड पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखें तो आपने कॉन्फ़िगरेशन पेमेंट मेथड प्रोवाइडर्स आपने इस पर क्लिक करना है और आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे प्रोवाइडर्स आ जाएंगे जिसमें पेपाल, वायर ट्रांसफ़र जो कि पाकिस्तान में भी अवेलेबल है और ये सारे आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर इजीली जस्ट वन क्लिक से इंस्टॉल करेंगे और ये वहाँ पर इंस्टॉल हो जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर पेपाल इंस्टॉल कर लेता हूँ, मैंने इंस्टॉल पर क्लिक किया तो ये देखें पेपाल पर एक्टिवेट आ चुका है। मैं सिंपली एक्टिवेट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे बैंक को सेटअप करना होगा, मतलब अपना अकाउंट वगैरह देना होगा जिससे हमारी पेमेंट उस अकाउंट में आएगी। तो आप यहाँ से ये देखें बैंक वगैरह ऐड करके इसको ईजिली सेटअप कर सकते हैं यहाँ से, बहुत ईजिली। फिर हमारे पास है कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ मैं, यहाँ पर देखें शिपिंग मेथड्स में जाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे शिपिंग मेथड्स हैं, जैसे कि इनका डिफ़ॉल्ट है वो है स्टैंडर्ड डिलीवरी। हम यहाँ पर एक न्यू ऐड करेंगे, मैंने न्यू पर क्लिक किया, जहाँ पर आप TCS, लेपर या फिर जो भी आपका करियर है आप वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोकल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो सिंपली देखें यहाँ पर आप कर सकते हैं। मैंने सिंपली यहाँ पर देखें इस तरह से पहले तो इसकी प्राइस सेट कर लेता हूँ, मैंने 1000 इसकी रख ली फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए। और यहाँ पर मैंने जो भी प्रोडक्ट को ये शिपिंग कॉस्ट असाइन करनी है वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा, जैसे कि यहाँ पर ये देखें हो चुकी है। यहाँ पर मैं सिंपली इसको पब्लिश करूँगा और अब हम इसको देखेंगे क्या हमारी फ़ीस जो है वो अप्लाई हुई। यहाँ पर तो पब्लिश हो चुका है, न्यू टैब में आकर ये देखें मैं शिपिंग में जाता हूँ और यहाँ पर अब हम देखते हैं ये देखें हमारी जो है वो फ़ीस आ चुकी है, देखें TCS और यहाँ पर देखें 5000 हो चुका है, मतलब हमारी फ़ीस जो है वो अप्लाई हो चुकी है। अब हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर्स हैं तो हमने ऑर्डर्स वगैरह भी यहाँ पर देखने हैं। मैं यहाँ पर आ गया, यहाँ पर देखें हमारे पास सारे ऑर्डर्स आएंगे जो भी हमने वहाँ पर ऑर्डर दिया होगा। हमने एक टेस्ट के लिए ऑर्डर दिया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पर वो ऑर्डर अवेलेबल है जो कि हमने वहाँ से जस्ट टेस्ट के लिए प्लेस किया था। यहाँ पर देखें हमने इसकी इन्वॉइस वगैरह भी कम्प्लीट नहीं की थी लेकिन जो भी डिटेल पुट की थी वो तकरीबन यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ से हम ऑर्डर वगैरह अपना देख सकते हैं और सारा प्रोसेस उसी तरह कर सकते हैं। तो यार मुझे उम्मीद है ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो मुझे लाइक करके लाजमी बताइएगा, कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे लाजमी बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दिएगा ताकि कोई भी वीडियो जैसे ही मेरी अपलोड हो वो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज।